कैंट पुलिस ने दो शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को कारमल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोहम्मद सैफ पुत्र मुस्तफा खान निवासी हुमायूंपुर उत्तरी नियर आटा चक्की थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा विपिन सिंह उर्फ छोटू पुत्र कृष्ण मोहन सिंह निवासी बुद्ध वाटिका के पीछे हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का दो मोबाइल एक स्कूटी बरामद हुआ है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि गोरखपुर शहर क्षेत्र में राह चलते लोगों से मोबाइल लूट कर भाग जाने की लगातार कई घटनाओं को कारित किया जा रहा था। थाना कैंट पुलिस द्वारा 21 अप्रैल को मोबाइल लूट के संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा 2 अप्रैल को गोलघर MRF टायर के सामने से एक रेडमी मोबाइल को छीना गया था एवं 18 अप्रैल को पेंटालून के पास सिनेमा हॉल से एक सैमसंग मोबाइल की छीनने की घटना कारित की गई थी। अभियुक्तों से सख्ती से पूछने पर बताया गया कि रेडमी मोबाइल को इसी स्कूटी से MRF टायर गोलघर से दिनांक 2 अप्रैल को हम दोनों ने लूटा था तथा सैमसंग मोबाइल को इसी स्कूटी से दिनांक 18 अप्रैल को पेंटालून के पास से एक लड़की से सिनेमा हॉल से निकलते हुए युवती से छीना था। इन लूटे हुए मोबाइल को बाद में स्टेशन व बस स्टैंड पर राह चलते आदमियों राहगीरों को बेच देते हैं और बेचने से प्राप्त रुपए को आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन व्यापन होता है। और हम दोनों ने इन मोबाइल्स के अलावा कुछ अन्य मोबाइल भी लूटे थे जो कि हम दोनों बेच चुके हैं और उनसे बरामद रुपयों को भी खर्चा कर चुके हैं। बरामद मोबाइल को आज हम दोनों स्टेशन पर बेचने के लिए निकले थे कि तभी आप पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि दो अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक सुधांशु सिंह, विजय कुमार गौड़, कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव, राकेश यादव, संदीप कुमार शामिल रहे।